सीरियल अनुपमा में फाइनली अनुज और अनुपमा की नई शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं बापूजी के फैसले से उड़ेंगे सबके होश। आने वाले एपिसोड में अनुपमा अनुज को इस तरह से बैठे देखकर काफी मोटिवेट करती है, स्टार्ट लिखती है सड़क और अनुज का हाथ थामती और वहां लेकर जाती है। और जैसे ही उसका पैर फिसलता है उसकी स्लीपर खुल जाती है और अनुज को अनुपमा चप्पल पहनाते नजर आती है। इसके बाद देखने को मिलता है कि अनुपमा अनुज को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन अनुज कहता है नहीं मेरे काफी दोस्त है, मैं सब कुछ अपना अरेंज कर लूंगा। लेकिन अनुपमा कहती है नहीं, या तो आप ऐसा सोच लीजिए कि मैं आपके साथ कहीं भी आप जाएंगे वहां जाऊंगी, या फिर आप मेरे साथ चलेंगे, आप कहीं भी इंतजाम कर सकते हैं मुझे पता है, लेकिन वहां कोई अपना घर नहीं होगा, आपका हालचाल पूछने वाला नहीं होगा, वो तो हमेशा ही छोटा घर पसंद है ना। जिसके बाद अनुज अनुपमा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मालविका और वनराज दोनों ही घर पहुंचते हैं, जहां पर वो काका से रोते हुए गले लगती है। लेकिन काका कहते हैं कि वो मालिका अनुज को ढूंढते नजर आती है, लेकिन वो कहते थे कि वो उसने कंपनी के साथ में अपना घर भी छोड़ दिया और उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। और मालिका काफ़ी बुरी तरह से रोते नजर आती है, लेकिन वनराज उसे और भड़का जाता है और कहता है कि देखो उसने अनुपमा का साथ ही चुना ना। और दूसरी तरफ यहाँ पर बापू जी और सभी घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और समर और बापू जी चलने ही वाले होते हैं वहाँ से, लेकिन फिर भी वनराज यहाँ से उनको कहता है कि बापूजी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों अब साथ ही रहेंगे। जिसके बाद आप भड़कती है और कहती है कि उसको साफ साफ कह दो कि यहाँ पर आ जाए और अनुज अपना इंतजाम खुद कर लेगा। दूसरी तरफ अनुज और अनुपमा घर पहुंचते हैं, दोनों साथ में गृह प्रवेश करते हैं। अनुपमा उसे पानी पिलाती है, चाय बनाती है और उसे कंफर्टेबल होने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर अनुज बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा होता है। तो वही देखने को मिलता है कि बापूजी वनराज पर भड़कते नजर आते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने चालाकी से हासिल किया है, वो उससे आशीर्वाद भी नहीं देते। और यहाँ पर किंचल कहती है कि मैं भी बापूजी आपके साथ चलूंगी और उसे एक तोश रोकते नजर आता है, लेकिन इसके बाद ने यहाँ पर वो रुकती नहीं और कहती है माँ मम्मी ने जो भी किया ना अब सही करेगी और कोई भी गलत नहीं करेगी। इसके बाद यहाँ पर बापूजी समर और किंचल तीनों ही साथ में निकलते हैं। तो दूसरी तरफ काव्या वनराज की चापलूसी करते नजर आएगी और वनराज को पता चल जाएगा कि चापलूसी क्यों हो रही है। साथ में वो कॉन्फिडेंट भी हो चुकी है कि उसको मालविका में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसके पैसों में इंटरेस्ट है, इसलिए अभी भी उसके चांसेस है, इसलिए मैं पूरी बाजी पलटने वाली हूँ। नहीं बापूजी जाकर अनुज और अनुपमा से शादी का फैसला करने के लिए कहेंगे। इसके बाद दोनों बड़ी सादगी से शादी करने का फैसला करेंगे और अब देखना काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पर अनुज और अनुपमा हमेशा के लिए एक हो जाएगी और सबकी बोलती बंद हो जाएगी।